अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इल्हाम अकेले बैठ के खेल रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। आज बज रहा है, रमीज अभी तक नहीं आए। ये लोग का सेकंड ब्रेक, अभी इन लोग को भूख लग रही है। विशाल को भूख लग गई, दोनों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया और रमीज अभी आ रहे हैं रास्ते में। हाइट 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 लम हाइट डैडी कमिंग हाइट। अंदर से देख लिया है और दोनों छुप गई हैं ब्लैंकेट के अंदर। बोलती हम लोग डैडी को सरप्राइज़ करेंगे। हेलो हाय दिलहम, टेक ब्लैंकेट, टेक दिस, खलास यू आर ओके। वेर इज इशार, वेर इज इल्हाम, उसको ही नहीं नजर आ रही। अभी हम फिर जा रहे हैं बल्दिया के ऑफिस, आज आके फिर अपडेट पूछते हैं। उसने बोला था एक दिन के बाद आना। वैसे तो रमीज जब घर आते हैं तो ब्रेकफास्ट करके हम सारे सो जाते हैं, लेकिन आज हम लोग को बल्दिया के ऑफिस जाना था, बच्चे भी नहीं सोए तो सबके मूड ख़राब है नींद की वजह से। सुबह 7:30 बजे हम लोग निकल गए थे बल्दिया के ऑफिस के लिए, क्योंकि उनकी ऑफिस की टाइमिंग भी 7:30 से 3 तक थी। लेकिन कभी भी हम लोग दोपहर में 1:30 बजे भी जाते थे या 2 बजे, तो भी कोई स्टाफ नहीं होता था। मतलब स्टाफ लेट आते हैं और जल्दी चला जाता है। मतलब गवर्नमेंट का ऑफिस है, उसका वो नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं है। कोई भी मतलब अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है। आज भी हम लोग 7:30 बजे के गए हैं, 11:30 बजे घर पे वापस आए हैं और रमीत बेचारे रात भर के जागे हुए ड्यूटी करके आए हैं और डायरेक्ट हम लोग चले गए। और बच्चे भी मतलब रात भर जाग रहे थे, अभी तक ये लोग भी नहीं सोए। 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारी टर्न आई, फिर मैनेजर के ऑफिस में भेजा, फिर वहाँ पर भी उसके पास भी 5-6 बंदे खड़े हुए, तो उन लोग का वेट किया। वेट करते करते वहाँ पर भी 1 घंटा लग गया। तो मेरी जब मेरी बारी आई तो मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही है, फिर पूरा जो स्टाफ है मेरी फ़ाइल ढूंढने में लग गया। फिर उन्होंने बोला कि आप अगले हफ्ते आइए, अब मंगल को सुबह 8:30 बजे, तो अब अगले हफ्ते पे बात डाल दिए। घर पे आए, फिर इनके लिए ग्रोसरी ऑर्डर करी। इतनी बाहर गर्मी थी, ये लोग पूरे पसीने में तर हो गए थे। फिर सोते सोते 11:30 बज चुके थे। फिर हम लोग शाम को उठे हैं 6:30 बजे। रमीश कब चले गए पता नहीं हमें। शाम को उठने के बाद मैंने अपने लिए और इशार के लिए चाय बनाई, साथ में रस्क ले लिए। उसके बाद मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे और ग्रोसरी से चीज़ें ऑर्डर करती थी। शाम को मैंने पुलाव बनाना था, तो उसलिए जो भी चीज़ चाहिए थी मैंने मंगा ली। उसके बाद बच्चों को रेडी किया, बाल बनाए और फिर ये लोग अपने टैब में बिजी हो गए थे। उसके बाद में मैंने लॉन्ड्री जो भी निकली थी आज की वो मशीन में डाल दी। घर की सफाई हो गई, बच्चों को रेडी कर दिया, कचरा फेंक दिया, लॉन्ड्री मैंने डाल दी मशीन में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चना पुलाव आलू के साथ में। तो जो चने का सालन मैंने कल बनाया था, उसी से मैं आज चना पुलाव बनाऊँगी। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और 1 छोटी प्याज स्लाइस करके डाल दी है। साथ में मैंने गर्म मसाले में सारी चीज़ें डाली हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, बादियान का फूल, ज़ीरा, काली मिर्च, सब कुछ। जब तक प्याज ब्राउन होएगी तब तक हम आलू, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया ये सब काट के साइड में रख लेंगे। प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्चें, आलू इसको ऐड करके कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चॉप जिंजर लिए, इसको डाल के मैं सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टीस्पून दही और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। सॉल्ट मैंने इसमें लिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 1.5 कप राइस है मेरे पास और जो कल के चने हैं उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट है। तो अब यहाँ पे मैं चने भी इसमें ऐड कर दूँगी। राइस को वॉश करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए है। साथ में 3 कप पानी डाला है, क्योंकि 1.5 कप राइस है तो 3 कप पानी लिया है और चने ऑलरेडी गले हुए हैं।
अब इसको हाई फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे जब तक इसका पूरा पानी ख़त्म ना हो जाए। साथ में मैं बना रही हूँ रायता। इसके अंदर मैंने ज़ीरा लिया है, नमक और ब्लैक पेपर, साथ में टमाटर, कुकुम्बर और हरा धनिया। पुलाव का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको मैंने गार्निश कर दिया है हरा धनिया से। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी और 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार चना पुलाव रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। इशार को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी इसलिए पहले मैंने उसको खाना दे दिया और मुझे अभी भूख नहीं लगी थी, मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। 10:15 बज गया, इल्हाम का नैप टाइम हो गया। इशार ने खाना खा लिया, अभी तक नहीं सोया, अब मुझे भूख लग रही है, अब मैं खाना खाऊंगी। था 1 बज रहा है और इन लोग को ग्रोसरी जाने की पड़ी है, कब से मेरे पीछे लगी है इशाल के ग्रोसरी लेके चलो, तो अभी लेके जा रही हूँ मैं इसको। अभी सिर्फ एक ग्रोसरी खुली है 24 आवर, बस वही खुली है, बाकी तो सारी बंद हो गई। मैं इशाल को बोलती हूँ कि ये यहाँ पे ही कर सकते हैं, पाकिस्तान में तो 7 बजे दुनिया सो जाती है, वहाँ पे तो बाहर निकलने के लिए भी डर लगेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितने बजे भी रात में निकलो कोई टेंशन नहीं है। या देयर इज अ डॉग इन दिस बिल्डिंग, ना एक डॉग है वो हमेशा बार्क करता रहता है, लोगों को दिखता है शायद बालकनी से, बालकनी में रखा है शायद से उसको। भौंक रहा है वो अभी। आई सी इट, द लास्ट वन इज हैविंग ब्लू, दैट वन देयर इज अ डॉग, डॉग ओह माय गॉड देयर इज अ डॉग। पाकिस्तान ड्यूरिंग द मिडनाइट ऑल द डॉग्स आर बार्क। बस यही सुपरमार्केट है जो इस एरिया में खुली रहती है, बाकी सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो इसका नाम अल मदीना सुपरमार्केट है, 24 आवर है। तो बस हमने यहाँ से अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम उठाई और आ गए घर की तरफ। जैसे एंट्रेंस से पहुंचे इल्हाम फिर पहले की तरह वहीं पर खड़ी हो गई, बोलती नहीं जाना ऊपर, फिर उसको ज़बरदस्ती लेके गए। घर आने के बाद इन लोग ने अपना टैप देखा, टैप की चार्जिंग अब खत्म हो गई तो ये लोग अपने खेल में लग गए। उसके बाद मैंने मशीन से कपड़े निकाल के हैंग कर दिए। ये मंकी को देखो, मंकी मंकी मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ से जंप करती है। आई मामा या ना कैसे जंप करती है। टैप की चार्जिंग खत्म होती है तो इनकी भी चार्जिंग खत्म हो जाती है। इल्हाम अभी 3:30 बजे सो गई है और हम दोनों जाग रहे हैं। तो बस फ्रेंड आज की इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।